भाई आज मैंने शहजादा मूवी देखी जो कि अल्लू अर्जुन की आला वकंथपुरम मूवी की रीमेक है, और मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि बॉलीवुड वाले उस बैक बेंचर की तरह है जो एग्जाम में चीटिंग करने के लिए पर्चियां तो लेके जाते हैं लेकिन टीचर को देखकर फटके हाथ में आ जाती है। मतलब ये कि ये लोग साउथ मूवी की कॉपी तो करना चाहते हैं लेकिन इनसे कॉपी भी अच्छे से नहीं की जाती। अगर कोई कार्तिक आर्यन का फैन मेरा रिव्यू देख रहा है तो भाई ऑफेंड मत होना, क्योंकि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मेरे हिसाब से कार्तिक आर्यन ने अपना ट्राई हार्ड दिया, लेकिन पहले ही अल्लू अर्जुन ने आला वकंथपुरम मूवी में एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, और कुछ कुछ सीन्स को देखकर पता भी लग रहा था कि कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन का स्वैग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हो नहीं पा रहा। अगर आपने आला वकंथपुरम नहीं देखी और शहजादा मूवी देखने का मन है तो आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। ये एक मिडिल क्लास और अमीर घर के लड़के की कहानी है जिनको रिप्लेस कर दिया जाता है जब वो पैदा होते हैं। बाकी की स्टोरी आप मूवी में देखना। और अगर आपने अल्लू अर्जुन की आला वकंथपुरम मूवी देखी है और तब भी आप शहजादा मूवी देखने जा रहे हो तो भाई आप मूवी देखते टाइम ये जरूर सोचोगे कि मूवी कब खत्म होगी। भाई पर्सनली मैंने तो ये फील जरूर किया मूवी देखते टाइम। वैसे तो आला वकंथपुरम मूवी की स्टोरी कुछ खास नहीं थी, लेकिन उस मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था अल्लू अर्जुन का स्क्रीन प्रेजेंट और अल्लू अर्जुन का चार्म और स्वैग, जो कि आपको शहजादा मूवी में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। अगर मूवी में कुछ बढ़िया था तो वो था सिर्फ और सिर्फ राजपाल यादव का कैमियो, वो आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं। मेरे लिए ये एक पैसा वेस्ट मूवी है। अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन हो तो आप ये मूवी जरूर देख सकते हो, लेकिन मूवी देखने के बाद एक बार अल्लू अर्जुन की आला वकंथपुरम मूवी जरूर देखना जो कि यूट्यूब पर फ्री में पड़ी हुई है। आपको जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। बाकी इस मूवी में दूसरे एक्टर्स की बात करूं तो उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं थी। मैं इस मूवी को 5 में से 1 स्टार दूंगा, आधा स्टार कार्तिक आर्यन के ट्राई हार्ड के लिए और आधा स्टार राजपाल यादव के कैमियो के लिए। बाकी आपको रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।